अब ऑडियो आ गई क्यों कमांडो रिदा खान अहमद अली यस थैंक यू सो मच एवरीबॉडी थैंक यू सो मच वीडियो देखते रहिए सिलेक्शन होता चला जाएगा समझ रहे वीडियो में कंटेंट इतना ज्यादा होता है अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं 70-80% क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर से हो जाएगा और 20-25-30% कहां से होगा आपको इसीलिए मैं बोलता हूं एक अच्छे स्टडी मटेरियल को फॉलो करिए उसके लिए पता है क्या करना होता है एक बढ़िया कोचिंग मटेरियल की साइंटिफिकली डिजाइंड मटेरियल लीजिए और जो भी टॉपिक यहां पढ़ते हैं सेम डे पे उसको क्वेश्चंस लगाइए जो डाउट होता है उस डाउट के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट तो पूछिए इसमें जी भर के डाउट पूछिए समझ रहे एमडी अफरीदी शेयर करो शेयर शोर मचाओ शोर तहलका मचा दो पूरा आसपास में पी ब्लॉक का अच्छा एक बात बताऊं आज पी ब्लॉक का सबसे टफेस्ट किसी भी दोस्त से यार से पूछ लेना नाइट्रिक एसिड का जो रिएक्शंस हैं वेरी वेरी टफ माना जाता है वेरी वेरी टफ एज अ टीचर टफ कहना बहुत अच्छी बात नहीं है बट स्टिल आप पढ़ोगे ना तो रियलाइज करोगे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वीटी सर हैं और कॉम्प्लिकेटेड रह जाए चीजें तो कोई बात थोड़ी ना हुई है वीटी सर हैं और चीजें आसान हो जाए ये बात होती है चंचल डॉक्टर जे सुचेता विकल्प डॉक्टर जे अनुराग रोहित शर्मा क्या मैं सही बोल रहा हूं कि वीटी सर के रहते हुए चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाए तो फिर बात मजा नहीं आया यार क्यों गुड इवनिंग अंजलि मिस्टर मिस भट्टाचार्य बिल्कुल गोला भाई एवरीवन सब लोग जो देख रहे हैं जल्दी से दोस्ती करिए एवरीबॉडी राइट नाउ बिकम माई फ्रेंड कैसे बनोगे दोस्त लाइक बटन करके अभी कभी ठीक है एवरीबॉडी देवजोन रोहित राज दीपक नायक डॉक्टर जे गोला भाई वीटी सर वाले हैं बिल्कुल सही समझा आपने चलिए अब मैं आपको एक बात बताऊं कि गाइस रश्मि चौधरी आज का टारगेट कितना रखें दीपक नायक कितने टारगेट रखें लाइक का आप बताइए इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू आप कितना टारगेट रखते हैं लाइक का और आपको पूरा करना है हाउ मच यस मैं भी टेलीग्राम में हूं और मेरे साथ जो भी फैकल्टी यहां पढ़ाते हैं वो सारे भी टेलीग्राम ग्रुप में हैं साथ साथ में ऑल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हमसे भी सीनियर फैकल्टी हैं और भी जो अच्छे नॉलेज वाले हैं वो सारे उसमें हैं एवरीबॉडी इज देयर इन दैट ग्रुप ठीक है 250 लाइक्स चलिए मैक्सिमम 240-250 चलिए आप लोग 250 कह रहे हो मैं कहता हूं आज का टारगेट लाइक रखते हैं आज का टारगेट बना लीजिए 240 लाइक्स बिफोर दिस सेशन एंड्स वी वांट 240 लाइक सो बिफोर वॉचिंग दिस अमेजिंग सेशन यू हैव टू कंप्लीट द टारगेट ऑफ 240 लाइक्स ठीक है गाइज विकल्प क्विज हाँ क्विज को थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है क्या किया गया है क्विज को पोस्टपोन किया गया है कब के लिए संडे के लिए कब 5 बजे के लिए 5 PM के लिए वी हैव पोस्टपोन्ड इट ठीक है सो मैं अपनी टीम को बोलना चाहूंगा इफ ही ऑर सी इज लिसनिंग प्लीज मिस्टर नवनीत कम हियर आई नीड पेन फाइन चलिए कैरियर पॉइंट कमांडो मांडवी गुप्ता चंचल आयुब दीक्षा बीरू कुमार एवरीबॉडी मनीष कुशवाहा अहमद अली यू आर अ न्यू स्टूडेंट वेलकम अहमद अली का वेलकम कर लो सब लोग गाइज हेयर अहमद अली मैं बता दूं आपके जैसे अमेजिंग बच्चे यहां प्रेजेंट हैं त्रिशा हो गई रजनीश हो गए गोला भाई वैष्णवी चैन सिंह सुचेता विकल्प आइस एंड सुगर यू आर ऑल्सो न्यू अब मैं बता दूंगा पी ब्लॉक का क्या ब्लॉक का पी ब्लॉक का अमेजिंग लेक्चर आज होने वाला है सबसे टफेस्ट रिएक्शन जो है आज आसान कर दूंगा सबसे आसान कर दूंगा फिर से मैं बता रहा हूं सबसे टफेस्ट चलिए मिस्टर गुप्ता अहमद अली काजल करण हीरो सो गाइज आर यू एक्साइटेड फॉर दिस अमेजिंग सेशन शैल आई बिगिन एवरीबॉडी शैल आई बिगिन क्रैश कोर्स भावना द्विवेदी लॉन्ग टाइम नो सी भावना द्विवेदी नाम याद आ गया मेरे को देखते हुए आदर्श गुप्ता वेरी गुड आपके क्यों परेशान क्यों हो आप तो पढ़ो इतना अमेजिंग वे में पढ़ोगे मजा आ जाएगा आपको डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन कोई मुझे बताएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन कौन बताने वाला है मुझे आप बोलोगे सर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो आपने ही तो पढ़ाया है अम्मी अजान करती है से कोई मतलब ही नहीं है अम्मी और अजान से मतलब है हमें डाइनाइट्रोजन खत्म कि नहीं खत्म डाइनाइट्रोजन कैसे बनाया जाता है खत्म कि नहीं खत्म एवरीबॉडी वेरी गुड आइए
अमी का मतलब है अमोनियम सर, अमोनियम, अमोनियम के, और अजान का मतलब है सर अजाइड, अजान का मतलब है अजाइड। अमोनियम मतलब सर अमोनियम के दो थे वहां पे, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, और उधर क्या थे अमोनियम डाइक्रोमेट। अरे क्या ये बात समझ में आई, आई नीड पेन पतला वाला, ठीक है ओके फाइन। अच्छा वो ऊपर है फाइन, क्या ब्राइटनेस कम करनी, फाइन चलिए ओके ओके वेरी गुड। आइए अब हम नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड, और आज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे और फिर हम बहुत अमेजिंग वे में पढ़ेंगे, ठीक है वेरी गुड। आदिब खान, विकास तिवारी, आइए नाइट्रिक एसिड चालू कर लेते हैं एवरीबॉडी। मोहम्मद तारिक, चंदा यादव, गुड इवनिंग, मनीष कुशवाहा, नाउ फोकस हियर। नाइट्रिक एसिड जिस मेथड से हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, क्या बोलते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, इसको बनाते हैं। कैसे बनता है ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, कैसे देखो मैंने आपको पढ़ाया था अमोनिया जब बना था तो उसके तीन रिएक्शन पढ़ाए थे, याद आ रहा है, पहला रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, दूसरा रिएक्शन विथ मेटल, तीसरा रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ कोई बताओ, वेरी गुड, मेटल ऑक्सीजन एंड वन मोर थिंग, वो मैं भी भूल रहा हूं अभी। चलिए अब क्या है अमोनिया का जो रिएक्शन हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ वो देखते हैं अभी, कि सर अमोनिया को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे दैट मींस कंबशन रिएक्शन, तो पूरा हाइड्रोजन और पूरा ऑक्सीजन मिलके आग लग जा रहा था, जल जा रही थी। कंबशन का मतलब है हीटिंग, हीटिंग का मतलब आग लगना, दैट मींस यहां पे डाई नाइट्रोजन और H2O बन रहा था, ठीक है एवरीबॉडी। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को गाइस अगर मैं प्लैटिनम वायर की प्रेजेंस में करा रहा था तो क्या मिल रहा था, प्लैटिनम वायर की प्रेजेंस में करा रहा था तो क्या मिल रहा था सर, पूरा पूरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब आपस में नहीं मिल पाएंगे, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन को प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम वायर में कुछ ऑक्सीजन जाके चिपक जाएंगे और कुछ वाटर तो बन ही गया, जो ऑक्सीजन से चिपका हुआ है वो बाद में नाइट्रोजन से आके चिपक जाएगा NO। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मरियम खान, एब्सोल्यूटली करेक्ट। ये जो हमने NO बनाया था इसी NO में अगर हम ऑक्सीजन डाल दें तो NO2 बन जाता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन से, बताया था दिस इज कलरलेस गैस, दिस इज ब्राउन गैस। एक दो बार और पढ़ेंगे आज के लेक्चर्स में इस रिएक्शन को, ठीक है एवरीबॉडी। यस, पहले प्लैटिनम वायर से NO बनता था और एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते ही क्या होता था NO2 बन जाता था, दैट इज ब्राउन कलर। सोनू राज, चंचल, कैरियर पॉइंट कमांडो, दीक्षा त्रिवेदी, ठीक है आगे बढ़ते हैं, बहुत अमेजिंग रिएक्शन, ये सब तो अभी शुरुआत है, अमेजिंग रिएक्शन अभी आने वाली है। ये NO2 बन गया, NO2 नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इसमें पानी मिलाओगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड बन जाएगा। नाइट्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहां पे देखो +4 वाला ऑक्सी एसिड। हाइड्रोलिसिस में बता रखा है कि कुछ नहीं करना, हाइड्रोलिसिस में कुछ नहीं करना, ऑक्साइड है ना, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में है उतना ही ऑक्सी एसिड बना दो प्रोडक्ट में, +4 वाला ऑक्सी एसिड प्रोडक्ट में बना दो, हाइड्रोलिसिस रटना ही नहीं है। वेरी गुड राहुल कुमार, मरियम खान, विकास, विकास तिवारी, रिंकू पंडित, डॉक्टर जे, अंजलि गुप्ता एंड भावना द्विवेदी, वेरी गुड। ये बात समझ में आई, तो क्या नाइट्रिक एसिड बनाओगे और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, बात समझ में आई, वेरी गुड। दीपक, कैरियर पॉइंट कमांडो, मनीष, डॉक्टर जे, चंचल, आदिब खान, सचिन यादव, बात समझ में आई, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। आइए अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, प्रिपेयर हो गया, प्रिपेयर हो गया, हमने NO बनाया हुआ था, NO2 बनाया हुआ था, जो NO2 हमारे पास था ब्राउन कलर का गैस उसी में वाटर मिला दिया, वेरी गुड एब्सोल्यूटली करेक्ट मरियम खान, गोला भाई। अब जो हमारा HNO3 होता है ना, अब पूरा रिएक्शन का बैकग्राउंड में बना रहा हूं, पूरा रिएक्शन का बैकग्राउंड बना रहा हूं, जो हमारे पास HNO3 होता है क्या होता है नाइट्रिक एसिड, इस HNO3 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों अब है ये बताता हूं मैं, देखो ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है साथ साथ में। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का काम क्या होता है, एलआईसी एजेंट दूसरों की एलआईसी करता है, आईआरसीटीसी एजेंट दूसरों की टिकट बुक करता है, उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छा। दैट मींस HNO3 जो है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, जो भी इसके साथ में आएगा एलिमेंट उसको ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा, दैट मींस HNO3 विल बी रिड्यूस्ड एंड जो भी इसके बगल वाला होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा। विकास कुमार, मांडवी गुप्ता, सचिन यादव, शुभम नायक। अब इसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल कैसे रहा हूं, हमें कैसे पता लगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? अब देखो HNO3 में क्या होता है, HNO3 में जब HNO3 को थोड़ा सा तोड़ो, थोड़ा सा इसको पानी निकालो इसमें से, सबसे पहले तो वाटर निकाल गया, दूसरा हाइड्रोजन है तो वाटर निकाल दिया, दूसरा NO2 गैस रिलीज करता है। एक बात बताओ, छोड़ो इन सब बात को, रटना थोड़ी ना अपने को, रटना नहीं है ना, तो कुछ ऐसा तरीका बताऊं जिससे धमाल हो जाए। तो सबसे पहले यहां हार्ट्स बिछ जाने चाहिए और दूसरा ये जो लाइक बटन है उसको तहस नहस कर देने चाहिए आप लोग। फिर मैं इसका एक अमेजिंग तरीका बता देता हूं, ठीक है गाइस, आइए आइए आइए। HNO3 बना कैसे था, अभी हमने ऑस्टवाल प्रोसेस पढ़ा ना, HNO3 बना कैसे, HNO3 बना था सर NO2 में जब हमने पानी मिलाया तभी तो HNO3 बना था, NO2 में पानी मिलाया HNO3 बना था। तो जब HNO3 को वापस हीट करोगे तो जहां बना था उसी में चला जाएगा, जिस चीज से बना था उस चीज में चला जाएगा, रटना मना है, बिल्कुल सही। तो HNO3 को जब आप हीट करो तो NO2 और वाटर से बना था उसमें तो चला ही गया, NO2 में दो ऑक्सीजन निकल चुके हैं, तीसरा ऑक्सीजन जो इसमें है ना वो इस नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज होता है। और किसी भी रिएक्शन में अगर नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, इसी से पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेसेंट ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां भी रिलीज हो रहा हो भाई साहब उसको बता देंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत अच्छा, शिवम त्रिपाठी, जिष्णु कुमार, मांडवी गुप्ता, सचिन यादव, एब्सोल्यूटली करेक्ट। जिस चीज से बना था उसमें तो तोड़ ही दो, तो जो चीज से बना था उसमें तोड़ दिया। अब NO2 में टूटा है तो दो ही ऑक्सीजन निकला है ना, तो तीसरा ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन। आप बोलोगे सर तीसरा ऑक्सीजन वाटर में भी तो आ सकता है, यार वाटर तो ऑलरेडी इसमें था, बना ही इस चीज से है, तो ये दोनों तो रिलीज होंगे ही होंगे, साथ में तीसरा एक ऑक्सीजन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन एक्स्ट्रा फॉर्म में है, ठीक है। दीक्षा, शुभम, एवरीबॉडी जल्दी से इसको शेयर तो करिए यार, आज क्या सब लोग वीकेंड मना रहे क्या, कोई दिख नहीं रहा मुझे, जल्दी से शेयर करिए और आज का टारगेट जरूर आप कंप्लीट करेंगे। कितना है टारगेट आपको पता है क्या, लाइक्स का टारगेट है आज का 240, कितना 240, ठीक है गाइस। आइए थोड़ा सा इसको पतला करिए, एब्सोल्यूटली करेक्ट है। अब आइए, वेरी गुड, अब आइए एक एक करके हम पढ़े। इसका एक ज्ञान की बात यह है कि ये जो HNO3 है ना, अगर इसको 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ रख दो तो ये एक्वा रेजिया बन जाता है और इसको बोलते हैं रॉयल वाटर। होता क्या है, आपके गली मोहल्ले में कभी आते होंगे ऐसे लोग जो बोलते हैं कि यार जो आपके यहां सोना चांदी का जो ऑर्नामेंट्स है उसको हम नया कर देते हैं, उसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं, ऐसा सुना तो होगा। या फिर अगर आपके यहां कुछ ऐसा गोल्ड का ऑर्नामेंट है तो आप जाते हैं गोल्ड के शॉप में और बोलते हैं कि इसको पॉलिश करके नया कर दो, तो वो क्या करता है, इस एक्वा रेजिया में, इस वाले एक्वा रेजिया में वो गोल्ड डाल देता है, गोल्ड और प्लैटिनम जो भी होता है। अब गोल्ड प्लैटिनम जैसे ही डालेगा वो एक लेयर क्या होता है, यूज्ड फॉर वॉशिंग ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऊपर का जो गंदगी इंप्यूरिटी लगा है ना उसको हटा देता है, जिसकी वजह से वापस जो ऑर्नामेंट है वो चमक जाता है, ठीक है। शुभम नासिर, क्विज कल है, कुछ रीजन की वजह से आज क्विज प्रिपेयर नहीं हो पाया, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीबॉडी। आइए अब क्या है आज की बात मैं बताऊं, आपने रिएक्शन पढ़ लिया कैसे बनता है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, दूसरा क्यों गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये पढ़ लिया, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यहां से कम कितने क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस यहां से आराम से आ जाते हैं पी ब्लॉक में, 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से यहां से बनते हैं पी ब्लॉक में, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, मेटलॉइड और मेटल, एंड दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, लेकिन वीटी सर उसको बहुत आसान कर देंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं
कि इसको शेयर करके फैला दिया जाए ताकि इतनी जब मेहनत लग रही है तो काम तो हो जाए। सो क्या आप रेडी हैं ट्रिक के लिए? ट्रिक के लिए रेडी हैं तो बोलिए हां एवरीबॉडी। वेरी गुड डॉक्टर जय तुषार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आइए तुषार उससे भी ज्यादा गजब तरीके से इसको पढ़ा जाए, ठीक है? वेरी गुड, आइए अब HNO3, पहले मैं नॉन मेटल और मेटलॉइड, पहले आइए ट्रिक पे। ट्रिक क्या है कि अगर कभी भी आपको HNO3 मेटल को छोड़िए अभी नॉन मेटल और मेटलॉइड से रिएक्शन करना हो ना, अगर HNO3 का, तो कुछ नहीं करना है, उस रेस्पेक्टिव नॉन मेटल का और उस रेस्पेक्टिव मेटलॉइड का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बनाएंगे। एक बार और, नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, एक बार और। कभी भी जब आपको HNO3 की रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड से करानी है, दैट मींस नॉन मेटल और मेटलॉइड से करानी है, तो आपको क्या करना है, नॉन मेटल और मेटलॉइड का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बनाना है। नॉन मेटल और मेटलॉइड का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बनाना है। एक दो एग्जांपल देके बता दूं, क्लियर? आइए और मेटल की इन दोनों को खत्म करके फिर मेटल पे आते हैं। तो आइए सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपसे सल्फर और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, सल्फर इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल। आइए मैं सबको एक साथ कर देता हूं फिर बताता हूं। अब देखो ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। अब जैसे ही HNO3 के पास आया तो हमें क्या करना है, अगर आपको आंसर खोजना है तो सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट बना दीजिए प्लस सिक्स। यार ऑक्सीजन फैमिली में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बना दो ना, सल्फर का, सॉरी नॉट ऑक्सीजन फैमिली, सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स, वेरी गुड। कार्बन का प्लस फोर वाला, बता रखा है मैंने ये सब चीज। फॉस्फोरस का प्लस फाइव वाला, उसी तरह आयोडीन का प्लस थ्री वाला। आयोडीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज ऑक्सी एसिड यही होता है HIO3। विकास कुमार ठीक है, चंदा, उजाला, विकास, भावना, समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या है, ये तो हो गया आंसर मारने का तरीका। थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनर आपको फंसा सकता है मैं आपको बताता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सल्फर है ना, जैसे ही HNO3 के प्रेजेंस में आता है तो HNO3 क्या है, इसमें तो नेसेंट ऑक्सीजन है, दैट मींस ये ऑक्सीडाइज करेगा पहले इसको, दैट मींस सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या मतलब है इसका, सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर को पहले ये ऑक्साइड बनाएगा। और आपको पता है इसके अंदर क्या क्या था, NO2 था, नेसेंट ऑक्सीजन भी था और वाटर भी था। जैसे ही ऑक्साइड बनेगा ये वाटर से रिएक्शन करके फिर ये फाइनल प्रोडक्ट देता है। तो अगर कभी एग्जामिनर बीच में पूछ ले तो दिस इज नॉट द प्रोडक्ट, मतलब सिंगल प्रोडक्ट ही नहीं बनता, पहले ऑक्साइड बनेगा और फिर ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होके ऑक्सी एसिड बनाता है। पहले ऑक्साइड बनेगा, फाइनल आंसर इज दिस। अगर ऑप्शन ABCD में है तो आपको आंसर में यह दिया होगा। तो सबसे सिंपल वे आपको बता दूं, कभी भी आपको नॉन मेटल दिखे उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सी एसिड बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैरियर पॉइंट कमांडो शगुन जायसवाल रजनीश भारतीय, अरे शगुन जायसवाल एकदम बढ़िया बा, तो पढ़ाई में मजा आ रहा बा, तो बोलिए हाँ एवरीबॉडी। आइए अब मेटलॉइड की बात कर लें। मेटलॉइड के साथ भी वही गेम खेलना है कि कोई भी मेटलॉइड हो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बना दीजिए। जैसे आर्सेनिक है, अब आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली प्लस थ्री और प्लस फाइव बनाते हैं, देखो प्लस फाइव वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बनाना है, ठीक है? जैसे ये है नाइट्रोजन फैमिली का, अगेन ना पसंद ऐसे सब बिस्किट, नाइट्रोजन फैमिली प्लस थ्री प्लस फाइव, हाईएस्ट कौन हुआ, प्लस फाइव, देखो यहां पे प्लस फाइव वाला ऑक्सीडेशन स्टेट पड़ा है, यहां से माइनस एट, यहां से प्लस थ्री, दैट मीन दिस इज प्लस फाइव, ठीक है? बहुत अच्छा। उसी तरह सिलिकन की बात करें तो सिलिकन क्या करता है, कार्बन फैमिली का है, तो कार्बन फैमिली की मैक्सिमम चार ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स H2SiO3। एवरीबॉडी किसी भी कभी भी नॉन मेटल से रिएक्शन पूछा जाए, मेटलॉइड से रिएक्शन पूछा जाए, और ये पूछा जाता है, तो क्या करेंगे आप, यू हैव टू मेक ऑक्सी एसिड। कोई भी ऑक्सी एसिड मत बनाना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड। यार बात समझ में आ गया, थैंक यू सो मच प्रशांत, हां लिखिए हां, वेरी गुड, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। आइए अब मैं आपको बताता हूं मेटल से रिएक्शन।
बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सब लोग डिस्ट्रैक्शन छोड़ के यहां हाथ देंगे, ठीक है, वेरी गुड, डिस्ट्रैक्शन छोड़ के यहां पे आप लिखेंगे। अब आइए HNO3 की मेटल से रिएक्शन होता क्या है, मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, कहीं घबराना नहीं है, क्योंकि ये किसी भी, मतलब ओनली 10-15% बच्चे इसको सीख पाते हैं, तो आप लोग वो 10% सीखना चाहिए। चलिए अब क्या है HNO3 का, इससे पहले देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड से भी रिएक्शन करा रहे हैं, डाइल्यूट से भी करा रहे हैं, वेरी डाइल्यूट से भी करा रहे हैं। आप कहोगे कि सर नॉन मेटल और मेटलॉइड में भी तो डाइल्यूट से कराना चाहिए था, वेरी डाइल्यूट से कराना चाहिए था, कॉन्सेंट्रेटेड से। तो अब मैं बताऊं, नॉन मेटल और मेटलॉइड में आप डाइल्यूट से कराओगे तभी भी वही प्रोडक्ट बनेगा, वेरी डाइल्यूट से कराओगे तभी भी वही प्रोडक्ट बनेगा, और कंसंट्रेटेड से कराओगे तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मेटल के केस में कंसंट्रेटेड के साथ कोई और प्रोडक्ट बनता है, डाइल्यूट के साथ कोई और प्रोडक्ट बनता है, वेरी डाइल्यूट के साथ कोई और प्रोडक्ट बनता है। इसमें भी ये ऐसे मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट के साथ कुछ और बना रहे हैं, ये डाइल्यूट के साथ कुछ और बना रहा है, ये डाइल्यूट के साथ कुछ और बना रहा है। तो अब कुछ ऐसा सर ट्रिक व्रिक बताइए जिससे ये हमेशा के लिए अपना हो जाए। तो आइए पहले ये आपको दिख गया ना कि कुछ ऐसा होता है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे तीन ऑब्जर्वेशन कराऊंगा, इस देख के चार्ट आप खुद ऑब्जर्व करना, देखना देखना कितना आसान है देखना। देखो आपको तो ये प्रोडक्ट लिखने आएगा, ठीक है, आपसे ये बोल देगा कि व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट व्हाट इज द प्रोडक्ट। अब आप रटोगे थोड़ी, रटना तो मना है। आइए अब क्या है, एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लूंगा। देखो अब पहला कि वाटर तभी निकलेगा जब नाइट्रोजन का कोई प्रोडक्ट बने, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा। फिर से, जब वाटर तभी निकल रहा है जब, जैसे देखो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना है तो ही वाटर निकलेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना है तो ही वाटर निकलेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना है तो ही वाटर निकलेगा, बाकी जगह नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बना है तो वाटर नहीं रिलीज होगा। सो सबसे पहले कौन से ऐसे रिएक्शन में वाटर रिलीज करेंगे जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिलीज हुआ हो, ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा ऑब्जर्वेशन करना है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ HNO3 ऑलवेज गिव्स मेटल नाइट्रेट। अब चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, चाहे डाइल्यूट हो, चाहे वेरी डाइल्यूट हो, मेटल नाइट्रेट तो हमेशा बन रहा है। देखो आप गौर करो, ऑब्जर्व करो कि क्या मेटल नाइट्रेट हमेशा बन रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये रहा मेटल नाइट्रेट, ये मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट। दैट मींस दुनिया संसार में कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का आप HNO3 ले लो, मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, और वाटर उन सब रिएक्शंस में आएगा जहां पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन रहा है, वेरी गुड। तीसरी बड़ी ऑब्जर्व कि वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ कभी भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बन रहा है, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन ही नहीं रहा है। देखो दैट मींस वेरी डाइल्यूट के साथ नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बन रहा, दैट मींस वाटर नहीं रिलीज होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, वेरी गुड। अब क्या है, एक एक करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक करके, और मैं एक ऐसा खतरनाक सा ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसा खतरनाक सा ट्रिक बता रहा हूं जो आपको हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। फिर से मैं बताऊं आपको, देखो अब मैं सबसे पहले वेरी डाइल्यूट का रिएक्शन सिखा रहा हूं, फिर मैं चलूंगा कंसंट्रेटेड एंड देन डाइल्यूट। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पता क्या होता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट HNO3। अब आयरन जब वेरी डाइल्यूट से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ए बी सी डी ऑप्शन में से आंसर आ जाता है। अब आप कैसे याद रखोगे, तो ये देखो, मन मांगे डाइहाइड्रोजन, जब भी मन दैट मींस MN होगा, जब भी मांगे दैट मींस MG होगा, तो आपका डाइहाइड्रोजन रिलीज होगा, डाइहाइड्रोजन रिलीज होगा। दूसरा प्रोडक्ट कैसे दिमाग में आएगा, अरे यार HNO3 से रिएक्शन होगा तो हमेशा नाइट्रेट बनेगा, तो नाइट्रेट तो हमेशा ही बन रहा है। अब मान लीजिए जैसे मेरे से मैंगनीज का, मैंगनीज व्हेन रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट लिख देता हूं मैं, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब मेरे को पता है कि सर मन मांगे डाइहाइड्रोजन, दैट मींस मन तो यहां है, दैट मींस डाइहाइड्रोजन बन रहा है, और कुछ भी हो जाए मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, Mn प्लस टू होता है, Mn और नाइट्रेट, दैट मींस Mn प्लस टू और NO3 माइनस, प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, कैंची चलाना है,
MnNO3 होल ट्वाइस। ये बात समझ में आ गई तो बोलिए हां। वेरी गुड करण हीरो, वेरी गुड। आइए बात समझ में आ गई तो बोलिए हां। और कैसे पता चला कि सर यहां पे वाटर होगा कि नहीं होगा? अरे कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड दिख रहा है क्या? NO N2O, NO टाइप, NO2 टाइप कुछ दिख रहा है क्या? नाइट्रोजन का तो ऑक्साइड दिख ही नहीं रहा। दैट मींस यहां पे वाटर रिलीज नहीं होगा। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। देखो यहां पे चेक करो क्या फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है कि नहीं। वेरी गुड। एक बार और मैं बताऊंगा, जब भी मन मांगे हो मैग्नीशियम और मैंगनीज हो तो हमेशा मन मांगे डाइहाइड्रोजन। मन में हमेशा मन चाह रहा है कि यार क्या डाइहाइड्रोजन मिल जाता, तो मन मांगे डाइहाइड्रोजन। और नाइट्रेट तो आपको बन जाए, अपने से बना लोगे क्योंकि ये हमेशा बनेगा। और वाटर नहीं रिलीज होगा क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं है। ठीक है एवरीबॉडी, यार इसको तूफान की तरह फैलाइए क्योंकि ऐसा ट्रिक नहीं मिलने वाला है। मैं फिर से बता दूं, 10-15% स्टूडेंट्स ही सीख पाते हैं। मैं इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आपको आज रियलाइज हो जाएगा कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन इतने शातिर तरीके से हो रहा है। देखना परीक्षित, देखना। अब आओ दूसरा चीज, फिर जन्मासन। अब कैसे दिमाग में रहेगा, सर मन में तो था कि सर डाइहाइड्रोजन का जन्म हो जाए, मतलब ऐसा होता है ना कि काश मेरे यहां बेटी हो जाती, काश मेरे यहां बेटा हो जाता। तो वैसे ही केमिस्ट्री में क्या है, बेटा बेटी थोड़ी होता, केमिस्ट्री में तो डाइहाइड्रोजन होता है। तो मन में तो ये है कि सर डाइहाइड्रोजन हो जाता तो मजा ही आ जाता, लेकिन फिर जन्म हुआ सन का, इसके यहां बेटे का जन्म हो गया। ठीक है, तो अब देखो फिर जन्मा सन, अब देखो फिर जन्मा सन, मन मांगे डाइहाइड्रोजन फिर जन्मा सन। अब इसका कैसे प्रोडक्ट होगा, तो देखो वेरी डाइल्यूट के केस में नाइट्रोजन का ऑक्साइड तो बनेगा ही नहीं, वेरी डाइल्यूट के केस में नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड तो बनेगा ही नहीं। दैट मींस ये तो हमेशा बन रहा है, नाइट्रेट तो हमेशा बन रहा है मन मांगे डाइहाइड्रोजन। तो केवल तीन तरह के प्रोडक्ट हैं। अब वापस पीछे चलिए, बड़ा मजेदार टॉपिक है। देखो या तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, या तो NH4NO3 बनेगा, या तो H2 बनेगा। तो केवल मन मांगे में डाइहाइड्रोजन बन रहा है, बाद बाकी में नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन रहा है, और नहीं तो NH4NO3 बन रहा है। तो वेरी डाइल्यूट में नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन ही नहीं सकता, H2 बन चुका, तो बचा कौन, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर, कीप शेयरिंग दिस लेक्चर विथ योर फ्रेंड्स। अब वेरी डाइल्यूट में H2 तो बन चुका, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन ही नहीं सकता है, तो तीन में से दो का काम तमाम, तो तीसरा बन जाएगा, और नाइट्रेट तो हमेशा बन रहा है हर केस में। ठीक है, वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी गुड। तो क्या मैं समझूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई है? अब एक क्वेश्चन कर दो मेरा, बस एक क्वेश्चन कर दो, धुआंधार हो जाएगा टॉपिक। कैसे सर, जब आयरन वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट किया तो क्या बना? जब आयरन वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट किया तो क्या बना, बताइए। आइए, आयरन Fe+2 में, ठीक, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ले लिया, वेरी डाइल्यूट। अब सर मेरे पास तो है मन मांगे डाइहाइड्रोजन, और अगर मन में तो है कि डाइहाइड्रोजन का जन्म हो जाए तो मजा ही आ जाए, लेकिन मन का कहा हुआ थोड़ी होता है। फिर जन्मासन, दैट मींस आयरन जन मतलब जेडन और एसएन, ठीक, तो आयरन है, फिर है, दैट मींस नाइट्रेट तो बना ही दो, FeNO3 होल ट्वाइस, क्लियर है, नाइट्रेट तो बन ही जाएगा। मन मांगे में डाइहाइड्रोजन है तो अदर वाले में सारे में NH4NO3 रिलीज हो जाएगा, NH4NO3। ठीक है, अमेजिंग वे लगा कि नहीं? वाओ त्रिशा दास, एब्सोल्यूटली करेक्ट डॉक्टर जे, बहुत सही, बहुत सही। अब आइए, अब मैं आपको बताऊं, अगर वेरी डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड कर दे तो क्या होगा? ठीक है, वेरी डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड कर दे तो क्या होगा? लाइक का टारगेट भूलना नहीं है, कितना है लाइक का टारगेट, 240 बिफोर द सेशन एंड्स। अब आइए, अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड का रिएक्शन कराना है, तो दुनिया संसार में कैसा भी मेटल का क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, आप हमेशा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनाओगे। अब नहीं समझ आएगा, पहले नहीं समझ आएगा, फिर से देखो, देखो ये तो हर जगह बनेगा, और जहां भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा वहां वाटर बनेगा। ठीक, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर NO रिलीज हो रहा है कि NO2 रिलीज हो रहा है कि NO2 रिलीज हो रहा है? आप इन तीनों में से कैसे डिसाइड करोगे?
ठीक है। तो कंसंट्रेटेड, अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास तीन चीज है, हमारे पास कंसंट्रेटेड है, हमारे पास डाइल्यूट है और हमारे पास वेरी डाइल्यूट है, तीन ही केस है कि नहीं है, है ना। अब आइए, अब कंसंट्रेटेड में एसिड ज्यादा होगा, दैट मींस कंसंट्रेटेड के केस में एसिड बहुत पावरफुल है, डाइल्यूट में एसिड थोड़ा सा कम हो गया, पानी ज्यादा हो गया, और वेरी डाइल्यूट में एसिड ना के बराबर है और पानी ज्यादा हो गया। दैट मींस एसिड कंसंट्रेटेड में मजबूत है और इसकी मजबूती घटते जा रही है एज डाइल्यूशन बढ़ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ऐसा है, देखो कंसंट्रेटेड HNO3 का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड HNO3 का मतलब गाइस बताऊं, कभी भी किसी भी HNO3 का कंसंट्रेटेड है, कोई भी मेटल आपके एग्जाम में आ जाए, आप ये मेटल ध्यान मत रखो, कैसा भी मेटल अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कर रहा है, ये तो बनेगा, और नाइट्रोजन का वो वाला ऑक्साइड बनेगा जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नाइट्रोजन का वो वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, वो वाला ऑक्साइड बनेगा जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, कंसंट्रेटेड है ना यार, मजबूत एसिड है ना, तो सबसे हाई महंगा वाला ऑक्साइड बनाएगा ना, सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनेगा ना। चंदा यादव, एहसान खान, आदिब खान, चैन सिंह, भावना, वेरी गुड। अब क्या यह बात समझ में आई कि मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही और सबसे हाई वाला ऑक्साइड बना दो, तीन ही ऑक्साइड बनने हैं, इसमें से सबसे हाई NO2 है तो NO2 बना दिया, अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो वाटर तो आएगा ही आएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमेशा वाटर को लेके आ रहा है अपने साथ में, वेरी गुड आयुष कुमार, कैरियर पॉइंट कमांडो। चलिए अब क्या है, अब क्या है, देखो विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी रिलीज्ड, तो आपको यह बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आइए, HNO3 जब कॉन्सेंट्रेटेड हमने देख लिया, हमने वेरी डाइल्यूट देख लिया, अब हम देख रहे हैं डाइल्यूट के साथ, बड़े ही नखरे करता है डाइल्यूट वाला, तो क्या हम अब इस HNO3 को इससे भी अच्छा खत्म कर दें, आओ आओ अमेजिंग ट्रिक देखते हैं, एक बार हार्ट्स भर दो यहां पे ताकि मजा ही आ जाए, आपके हार्ट्स से हमें एनर्जी मिलती है, जैसे भावना ने करा, मोहम्मद तारिक ने करा, चंचल ने लिखा, थैंक यू सो मच, अभिषेक राज, थैंक यू सो मच। अब आइए डाइल्यूट, डाइल्यूट में तीन वो रिएक्शन होने थे, या तो NO बन जाता, या तो N2O बन जाता, या तो NO2 बन जाता, यही तीन थे। NO2 बन चुका किस केस में, कंसंट्रेटेड एसिड के केस में, कंसंट्रेटेड एसिड के केस में, बाद बाकी केस क्या होगा, बाद बाकी ये दोनों रिलीज होने हैं, कब क्या रिलीज होगा वो अभी बता रहा हूं, अब देखना, लेड जो है वो डाइल्यूट के साथ, लेड, कॉपर, सिल्वर और मरकरी, ये डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करके ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, ये दोनों ऐसा बनाते हैं और ये दोनों ऐसा बनाते हैं। अब एग्जाम में पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या है, अब उसका तरीका देखिए, उसका तरीका देखिए, आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि ये ऐसा क्यों दे रहा है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस इज नेवर इन द एग्जाम, सो अगर मार्क्स लाना है तो कुछ ऐसा तरीका न्यूमोनिक्स आपके पास होना चाहिए जिससे हमेशा के लिए आपका हो जाए ये रिएक्शन। सो अब आइए वही करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हु इज दिस, यस गौरव सरकार, थैंक यू सो मच। यार अपने दोस्तों को जब लेके आओगे ना तो मजा ही आ जाएगा, मतलब इस ट्रिक को पढ़ाने में मुझे उतना ही वो लग रहा है और इतना इससे डबल एनर्जी लगा के आपको पढ़ाएंगे, हमारी टीम, एक्चुअली हमारी टीम को जितना अच्छा लगे उतना ही अच्छा लगेगा जब बच्चे यहां आएंगे, तो आपके दोस्त भी यहां आए तो मजा ही आ जाए। थैंक यू गौरव, भावना थैंक यू, गोस्वामी थैंक यू सो मच, रिलीज जल्दी जल्दी करेंगे। अब डाइल्यूट HNO3 के साथ देखो, लेड है पीबी, दैट मीन्स पबजी क्यों आगे होगा, पढ़ाई कर रहे हो तो पबजी खेलोगे तो दिक्कत आ जाएगी कि नहीं आएगी, दैट मीन्स अगर पढ़ाई से आगे अगर आप पबजी करोगे, पबजी क्यों आगे करोगे, पबजी क्यों आगे होगा, तो जब भी पढ़ाई से आगे पबजी निकलने लगे आप तुरंत उसको बोलो नो, दैट मीन्स NO विल बी फॉर्म्ड, जब भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा वाटर तो बनेगा ही बनेगा, और मेटल नाइट्रेट तो जग जा ही रहा है, हर साथ बन रहा है, हर केस में बन रहा है, हो गया प्रोडक्ट लिख दिया, वेरी गुड। अब पबजी क्यों आगे होगा ये किससे डिसाइड होगा, उसको बोलना है नो, क्योंकि पढ़ाई को आगे रखना है पबजी को नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। अब जब पबजी को आपने नो बोला है फिर जमाना आपका तारीफ करेगा, क्यों, इस बंदे ने पढ़ाई को आगे रखा पबजी को पीछे रखा, ठीक है, पबजी को पढ़ाई से आगे रखना है, ठीक है, फिर जमाना बोलेगा। अब NO बन चुका तो तीन में से दो हमने बना लिए हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड में,
दूसरा नो और तीसरा जो बचा वो यहां बन जाएगा। ठीक है, जब जमाने जब आप पढ़ाई को आगे ले जाओगे इसको बोलोगे नो तो फिर जमाना ने ये बोला। जब ये बनेगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड वाटर लेके आता है, वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक, साथ में टिन का केस जो मैं बताऊं आपको, टिन कभी भी रिलीज बनेगा, चाहे डाइल्यूट करा दो चाहे वेरी डाइल्यूट करा दो, हमेशा NH4NO3 ही बनाएगा। अब ये सर आपको कैसे पता लगा? एक बात देखो, आओ यहां पे, टिन का रिएक्शन या तो डाइल्यूट से हो या टिन का रिएक्शन वेरी डाइल्यूट से हो, हमेशा प्रोडक्ट में यही बन रहा है। देखा, समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। पबजी के आगे लेना है पढ़ाई को, जैसे ही पबजी आगे आ रहा है पढ़ाई से आप उसको बोलो नो, दैट मींस नाइट्रोजन का ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। अब एक बार आप मुझे बताओ यार, आप सब लोग एक बार ध्यान देना, अब आप मुझे बताओ, कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आ जाए तो आपको तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बना दो। ठीक है, अगर पबजी क्यों आगे होगा तो उसको बोलो नो। ठीक, उसके बाद फिर अगर आपने पबजी को बोला नो तो जमाना बोलेगा वाओ N2O दे देगा, दो आ चुके हैं तीसरा यहां डाल दो। SN चाहे डाइल्यूट हो चाहे वेरी डाइल्यूट हो, आपको NH4NO3 ही देने वाला है। मन मांगे डाइहाइड्रोजन, फिर जन्म हुआ सन का। एवरीबॉडी इफ यू लाइक दिस यार, इसको धुआंधार की तरह फैला दो, अपने मोहल्ले में, शहर में, जहां रहते हो, जिस ग्रुप में रहते हो, इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट, आज इसको तूफान मचा देना है इस लेक्चर के साथ। आपको इतना मैं फिर से बता दूं गाइस, ओनली 15% 10-15% को ही आता है। मैं चाहता हूं पूरा इंडिया पढ़े, आप भी मेहनत करो मेरे साथ, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं पढ़ाई का। ठीक है, थैंक यू सो मच आशुतोष, थैंक यू सो मच। सो क्या कभी भी इस टाइप के रिएक्शन आप गलत करोगे? नहीं। अब जितने भी रिएक्शन इससे पूछे गए हैं, जितने भी रिसेंट दो तीन साल में ही 10 रिएक्शन से ऊपर पूछी गई है, मैं सबका सार यहां पे करा देता हूं। अब मुझे यह बात बताना, इसका आंसर बताओ, कंसंट्रेटेड है तो क्या NO2 बनेगा? अब देखो यहां पे क्या है, Mg है, दैट मींस मैग्नीशियम +2 में होता है, नाइट्रेट NO3 माइनस में होता है। क्या जब इसको कैंची चलाओगे तो प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा MgNO3 होल ट्वाइस? क्या कुछ अलग बन जाएगा क्या मैग्नीशियम नाइट्रेट से? नहीं ना, वेरी गुड। अब मैग्नीशियम नाइट्रेट तो हमेशा बनेगा, कौन सा गैस रिलीज होगा? सर कंसंट्रेटेड है, मजबूत एसिड है, ये महंगा वाला ऑक्साइड बनाएगा, जिस ऑक्साइड का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, दैट मींस सर NO2 बनाएगा। यार बात समझ में आई तो हां बोलो जल्दी से। NO2 बनाएगा सर, NO2 नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा तो ये साथ साथ वाटर भी तो लेके आएगा। बहुत सही, और मेटल नाइट्रेट तो सर हमेशा बन रहा है MgNO3 का होल ट्वाइस। तो क्या आपके चार नंबर फिक्स नहीं हो सकते हैं क्या? बहुत हार्ड है क्या? नहीं है ना, तो बोलो एक बार, तालियां बज जाए सब लोगों के, मजा ही आ जाए। देखो ये रहा प्रोडक्ट, सबसे महंगा वाला ऑक्साइड बनाया और साथ में वाटर भी लेके आता है, बस काम खत्म, वेरी गुड। अब दूसरा रिएक्शन मैं आपको करा दूं KNTech, बहुत अच्छा, MD असलम, आयुष, सुचेता, करियर पॉइंट कमांडो एंड टिन की जब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराओ, याद है टिन कभी भी हो या तो डाइल्यूट या तो वेरी डाइल्यूट, हमेशा अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, याद है? बहुत अच्छा, हमेशा अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, और मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, कुछ भी हो जाए, जो भी मेटल रिएक्ट करा वो तो नाइट्रेट बनाएगा ही बनाएगा। आइए, क्या वाटर रिलीज होगा? नहीं, क्योंकि वाटर हमेशा नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा तभी रिलीज होगा, यहां नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बना इसलिए रिलीज नहीं हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। तीसरा रिएक्शन देखिए, तीसरा रिएक्शन में क्या है, पबजी को क्यों आगे लेके आए हो? पबजी जब आगे आ रहा हो तो उसको बोलो नो, दैट मींस NO विल बी फॉर्म्ड, मेटल नाइट्रेट तो हमेशा बनेगा, अब वाटर रिलीज होगा क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना है, वेरी गुड एब्सोल्यूटली करेक्ट। तीसरा, अब ये आगे वाला रिएक्शन AG है, पबजी को क्यों आगे लाओगे तो उसको बोलो नो, जब पबजी आगे आ रहा हो तो उसको बोलो नो, दिस इज द मेटल नाइट्रेट बने, वाटर तब भी आएगा जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है, बन चुका है, वाटर आ चुका है। यार तालियां रुकनी नहीं चाहिए एवरीबॉडी, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आयुष एब्सोल्यूटली करेक्ट, मनीष एब्सोल्यूटली करेक्ट,
आधे बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड। जब आयरन, जब पबजी को आपने बोल चुके हैं नो, पबजी क्यों आगे होगा, जब इसको नो बोल चुके हो, तो फिर जमाना क्या बोलता है? N2O, जमाना बोलता है N2। गलत है, वेरी अच्छा, वेरी डाइल्यूट, मैंने डाइल्यूट पढ़ लिया। वेरी डाइल्यूट में मन मांगे डाइहाइड्रोजन, बाद बाकी कुछ भी हो अमोनियम नाइट्रेट, फिर जमाने में, फिर जन्मा सन, ये वो वाला है, वेरी डाइल्यूट है, वेरी गुड। अरे वाह, डॉक्टर जे ने तो सही कर दिया, मेरे से मिस्टेक हो गई थी लेकिन डॉक्टर जे ने सही कर दिया, और आदर्श ने भी बहुत अच्छा, चैन सिंह बहुत अच्छा। मैग्नीशियम जब वेरी डाइल्यूट से जाएगा, मन मांगे, मन क्या मांग रहा है, काश मेरे यहां डाइहाइड्रोजन का जन्म हो जाए, लेकिन डाइहाइड्रोजन का जन्म नहीं हुआ, तो फिर किसका जन्म हुआ? सन का, दैट मींस फिर जन्मा सन, NH4NO3, वेरी गुड। मन मांगे डाइहाइड्रोजन आ गया आंसर, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। तो इतनी अमेजिंग रिएक्शन पड़े, पहले तो नॉन मेटल मेटल की रिएक्शन, नॉन मेटल और मेटल वाइड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाली ऑक्सी एसिड बना चुके हैं, फिर हमने कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, मतलब 100% तो पढ़ ही रहे हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ ले रहे हैं, ताकि अगर मान लो नीट वाले का कभी दिमाग फिर गया कि हार्ड आ जाएगा तो क्या करोगे, हार्ड आ जाएगा तो वीटी सर के बच्चों का जरूर सिलेक्शन होगा, इजी में तो हो ही रहा है, वेरी गुड। अब क्या होगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ने की बारी है। अब मैंने आपको बोला था ना कि हमने नाइट्रोजन का ऑक्साइड +3 और +5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें कैसे पता चला? सर, नाइट्रोजन फैमिली का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट आप ही ने तो बताया है, ऐसा ही होता है ना, NH2NP3, ये होता है नाइट्रोजन फैमिली का। अब सर, पहला ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इसको खाली करो, दैट मींस +3, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट इसको खाली करो +5, दो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, हमने इस वाले के ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ चुके हैं, लेकिन नाइट्रोजन इसके साथ साथ और भी ऑक्साइड्स बनाता है, वो हम पढ़ेंगे अलग से। आइए स्टार्ट ही कर दें, किस बात की देरी है। सो देखो होता क्या है गाइस, पहले मैं आपको 2-3 मिनट का ज्ञान दे दूं। जेई हो गया, चाहे नीट हो गया, चाहे कोई भी बिट साइट हो गया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दुनिया संसार में, देखो कॉन्टेंट उतना ही है, सिलेबस उतना ही है, बच्चे भी उतने ही हैं, सिलेक्शन बस बहुत कम लोगों का होता है। जो लोग चीजों को किसी अलग तरीके से करते हैं, देखो अगर होना होता सिलेक्शन, लोग कहते ना यार एनसीईआरटी पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, एवरी टॉपर सेज लाइक दिस, लेकिन सारे बोर्ड के स्टूडेंट जो 95-98% लेके आते हैं ना, वो सब एनसीईआरटी उनको दिमाग में टिप्स पे होता है, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, तभी तो उनको बोर्ड में नंबर आए। लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़ने से सिलेक्शन हो गया होता, तो जितने भी बोर्ड के टॉपर्स हैं वो AIR 1 होते, AIR 100, AIR 50, AIR 5 तो होते, लेकिन नहीं होता, बिकॉज एनसीईआरटी प्लस समथिंग एक्स्ट्रा इज नीडेड फॉर एसिंग नीट एंड जेई, और वो समथिंग एक्स्ट्रा कैरियर पॉइंट लाइव लेक्चर होता है। इसको पढ़ने से बोर्ड हो जाएगा, लेकिन बोर्ड एनसीईआरटी पढ़ने से ये नहीं होगा। ठीक है एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच रिदा खान, आशुतोष, संदीप रावत, एवरीबॉडी। सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन चालू करते हैं। होता क्या है, नाइट्रोजन +1 से लेकर के +5 तक सारे ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, +1 से +5 तक सारे ऑक्साइड्स बनाता है, वेरी गुड। आदिप कहां देंगे सो मच। अब क्या है, एक एक करके मैं बता दूं आपको। नाइट्रोजन +1 में N2O बनाता है, देखो नाइट्रोजन यहां +1 में है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो सामने वाले पे +2, तो दो नाइट्रोजन में दो चार्ज, एक नाइट्रोजन पे एक चार्ज, एज सिंपल एज दैट। NO +2 एंड सो ऑन, N2O3, N2O, NO2। अब ये क्या है, NO2 +4 में और N2O4 भी +4 में, कुछ नहीं है, NO2 +4 में होता है, जब टेम्परेचर को थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं ना, यही NO2 डाइमेराइज करके N2O4 बना लेता है। दे बोथ आर सेम, ठीक है, बस इसका डाइमेराइज फॉर्म है, और लास्ट N2O5 बना लेता है। ठीक है, यस, सीपी के किसी भी सैंपल प्रॉब्लम में प्लस दुनिया संसार का कोई भी डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का डाउट लिंक है, कोटा के सेवरल एक्सपर्ट फैकल्टी उसके अंदर हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आइए तो सही उस डाउट ग्रुप में। आइए फिर N2O5 यहां पे आ गया। सो नाइट्रोजन +1 से लेकर के +5 सब में आ रहा है। एक चीज, जो +1 वाला ऑक्साइड है वो लाफिंग गैस, इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं,
और प्लस टू वाला है इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, नोमेनक्लेचर है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। रुविका कंबोज, आप फैन हो जाओगे केमिस्ट्री के, ठीक है एवरीबॉडी, देखो आज पढ़ो आप। सो लाफिंग गैस सबसे पहले वाले को बोलते हैं, इसको डाइमर है, ये तो आपको पता ही है, डाइमर ऑफ एनओ2 है। आइए थोड़ा सा आगे चलें, आपको लेके चलें एक एक करके, हम सारे ऑक्साइड्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं, ऊपर के दो और नीचे के दो कलरलेस हैं, ऊपर के दो और नीचे के दो कलरलेस हैं, बीच के दो हैं ब्लू ब्राउन। आपने एनओ2 के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये ब्राउन कलर का होता है। एनओ बन रहा था एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से, एनओ2 बन गया, एनओ2 इज इन ब्राउन कलर। अब एग्जामिनेशन में पता है क्वेश्चन पूछ देता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देता है, एक ऐसा ऑक्साइड जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन की प्रेजेंस में ब्राउन कलर का हो जा रहा है, नेम दैट ऑक्साइड, काम तमाम। सुप्रिया यादव, यू आर न्यू, सब्सक्राइब इट, एंड अमेजिंग कंटेंट के लिए एकदम यहां पे, मतलब आप बताओ यहां पे बौछार लगी है अमेजिंग कंटेंट की। चलिए एवरीबॉडी, ऊपर के दो नीचे के दो कलरलेस, बाद बाकी ब्लू ब्राउन है, ब्राउन आपको पता है, दूसरा ब्लू अभी पता लग जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, बाद बाकी सारे एसिडिक होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन है बस आपको बता रहा हूं, ठीक है। संजू इज ऑल्सो न्यू, वेरी गुड संजू। अब आइए एक एक करके सारी ऑक्साइड्स को डिटेल में पढ़े जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए सारे किए जाते हैं, वेरी गुड। पंकज इज ऑल्सो न्यू, क्या बात है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आइए N2O के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला, नाइट्रोजन इसमें प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। कैसे पता चला, बहुत बेसिक, N2O, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू, सामने वाले पे प्लस टू, दो नाइट्रोजन पे दो चार्ज, एक नाइट्रोजन पे प्लस वन चार्ज, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, कलरलेस है, कैसे पता लगा, ऊपर के दो कलरलेस नीचे के दो कलरलेस, दैट मीन्स हमने प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फोर प्लस फाइव, ये प्लस फोर दो बार क्यों लिखा सर, यार याद है एनओ टू एन टू ओ फोर, दो कंपाउंड प्लस फोर वाले बनाए थे, यस। सो नीचे के दो कलरलेस, ऊपर के दो कलरलेस, ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है प्लस थ्री, और प्लस फोर वाला ब्राउन कलर का होता है, तो इज दिस कलरलेस, यस, बिकॉज प्लस वन वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीबॉडी, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, क्यों सर, ऊपर के दो जो हैं ये न्यूट्रल हैं, बाद बाकी सारे एसिडिक हैं, तो न्यूट्रल हो गया, वेरी गुड। ये लाफिंग गैस बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ठीक है, वेरी गुड। NO2N इसका डाइमर, पंकज इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आइए आपको NO2 के बारे में तो बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ N2O के बारे में बता दिया स्ट्रक्चर, अब रटोगे क्या, नहीं ना, जो इंफॉर्मेशन है वो लिखा दिया, अब जो है रटने की बारी खत्म करो। N2O क्या लग रहा है, कैसे ये बना होगा, साइंटिस्ट वाली दिमाग लगाओ थोड़ी सी, सर N2O मुझे तो लग रहा है N2 होगा और बगल में O होगा, बन गया होगा, बिल्कुल सही बच्चे वाला दिमाग, N2 एक साइड O दूसरे साइड, मिला दोगे तो N2O बन जाता है, कैसे, देखो स्ट्रक्चर से समझाता हूं। सबसे पहले आपके पास N2 और O लो, इसको अलग अलग तोड़ दो, N2 अलग कर दिया, O अलग कर दिया, N2 का स्ट्रक्चर बनाओ, क्या नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन N2 होता है विद टू वन वन लोन पेयर यूनिट, वेरी गुड आयुष, आई नो यू। सो अब दोनों के ऊपर लोन पेयर और ऑक्सीजन यहां पे है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दो दे दूं तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े भी हैं, दैट मींस क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे तो काम तमाम हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ये ऑलरेडी स्टेबल थे ट्रिपल बॉन्ड बना के, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो गया, काम तमाम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए N2O में कुछ नहीं करना है, N2 और O को अलग अलग करना है, N2 ऑलरेडी स्टेबल है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के स्टेबल है, एक लोन पेयर भी तो है, अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर आ जाने से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ एवरीबॉडी, बोलिए हाँ, वेरी गुड। आइए अब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में चेंज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में चेंज करने के लिए आपको जो डोनेट कर रहा है उसके ऊपर प्लस चार्ज, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर माइनस चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन गया है
तो जिसके पास गया है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो जहां जा रहा है वहां नेगेटिव चार्ज जा रहा है और जहां से इलेक्ट्रॉन गया है सामने वाले को पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये बात, अब क्या ये बात समझ में आ रही है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे सर? ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाए, देखो तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाए और ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आ जाए, सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको बात समझ में आ गई हो तो बोलते रहिए बोलते रहिए। सर आप बोलोगे कि सर यहां पे जब इलेक्ट्रॉन आया है तो ये प्लस चार्ज रहना, इसको हट जाना चाहिए था, प्लस चार्ज पहले है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो माइनस आया, माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाना चाहिए, लेकिन आया तो है साथ साथ में गया भी है तो ये प्लस चार्ज बना है, जितना आया उतना अमाउंट चला गया, तो जैसा था वैसा ही रह गया, एन प्लस पहले भी था एन प्लस अभी भी रह गया। ठीक है, वेरी गुड पुनीत कुमार, एब्सोल्यूटली करेक्ट। सो स्ट्रक्चर हो गया N2O, क्लियर हो गया सब लोगों का बात, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आइए प्रिपरेशन, N2O बना कैसे, N2 के आने से और O के आने से रटना मना है, कैसे? देखो आप N2 का प्रिपरेशन आपको याद करो, सर N2 के प्रिपरेशन में आपने बोला था अम्मी, अम्मी क्या कर रही है, अजान कर रही है, अजान का मतलब है अजाइड और अम्मी का मतलब है अमोनियम, अमोनियम अमोनियम यस एंड अगेन अमोनियम, अमोनियम का नाइट्राइट एंड अमोनियम का डाइक्रोमेट, ये दोनों से आपको N2 बन रहा था, बन रहा था, और किस सोडियम और बैरियम के एजाइड से N2 बन रहा था, वेरी गुड। अब आइए चीजें आपको लिखा हुआ देखो, अम्मी अजान करती हैं। नाउ NH4NO2 को हीट करने पे वो चीज बन रहा था, सिमिलरली डाइक्रोमेट को हीट करने से ये चीज बन रही थी, सिमिलरली एजाइड को हीट करने से ये बन रही थी डाइनाइट्रोजन, वेरी गुड। अब हमें बनाना N2 थोड़ी है, हमें N2O बनाना है, ठीक है, तो अगर इससे N2 बन रहा है तो अगर एक ऑक्सीजन यहां बढ़ा देते N2O बन जाएगा, एज सून एज सिंपल एज दैट, NH4NO2 से N2 बन रहा है, एक ऑक्सीजन बढ़ा दो तो N2O बन जाएगा, एंड दिस इज एक्चुअल प्रिपरेशन, वेरी गुड। N2O5 पे आने दो आयुष, आने दो, एक एक करके चलेंगे, ठीक है। सो N2O क्लियर हुआ, N2 आपको N2O बनाने के लिए मैंने सिखाया, सबसे पहले आपको क्या सोचना है, आपको N2O बनाना है ना, सो यू हैव टू गो फर्स्ट N2 एंड देन यू हैव टू एड ऑक्सीजन। N2 कैसे बनता है, अम्मी अजान करती है, कोई भी आप सॉल्ट ले लो, आप तो नाइट्राइट ले लो, यहां पे N2 बन गया, हमें बनाना N2O है, तो अगर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन बढ़ाना है इधर भी एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, सो यहां O2 था O3 हो गया, क्लियर, बहुत सही। आइए अब ये क्या है, N2O का डिकम्पोजिशन, तो जैसे आए हैं वैसे ही जाना पड़ेगा। N2O आया कैसे है, N2 और O के मिलने से N2O बना है, तो जब हीट करोगे तो वापस उसी में डिजॉल्व हो जाएगा, जैसे आए थे वैसे ही जाना होगा डिकम्पोजिशन में, जिस वे से बना है उसी वे में वापस भेज दिया, काम खत्म, कितना आसान है, देखते रहो आप। उसके बाद आप आओ NO पे, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यह भी कलरलेस है, यह भी न्यूट्रल है, ऊपर के दो न्यूट्रल हैं, बाद बाकी सारे एसिडिक हैं, ऊपर के दो और नीचे के दो कलरलेस हैं, बाकी ब्लू और ब्राउन कलर के हैं, एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब क्या होगा स्ट्रक्चर, तब देखो इसमें एक नाइट्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 है, नाइट्रोजन के पास 5 है, 2 2 4 1 5, ठीक है, ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं स्टेबिलिटी के लिए, 2, दैट मींस 2 बॉन्ड यहां बन जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब कर दो, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ऑक्सीजन का तो ये हो गया स्टेबल, ये नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए था, अब कोई आसपास है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता, तो कुछ नहीं होगा, इनकंप्लीट ऑक्टेट बना रहेगा इसका, दूसरा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बना रहेगा, क्यों, आप देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट बिहाइंड, ऑड इलेक्ट्रॉन, और कैसे देख सकते हो सर, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल वी हैव 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेरी गुड। अब पैरामैग्नेटिक होगा, मैंने बोल रखा है, क्या आपको यह ट्रिक पता है मेरी वाली, क्या आपको यह ट्रिक पता है कि सर ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर पैरामैग्नेटिक, क्या आपको ये ट्रिक पता है, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इमर्सन मार्डी यू आर न्यू, वेलकम वेलकम वेलकम, वन मोर स्टूडेंट इज न्यू, वेलकम टू हिम ऑल्सो। चलिए तो क्या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक लिख सकते हो, वेरी इजिली,
अब कहोगे कि सर पैरामैग्नेटिक है, दैट मींस इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये कलर शो करेगा? क्योंकि जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर शो करेगा। वेरी गुड, यस यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो 16 और 10 ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन का सम 10 और 16 हो रहा है वो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, आप O2 और B2 का एग्जांपल ले सकते हो, इसका भी इलेक्ट्रॉन 10 है, इसमें 16 है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। ऑल इवन इलेक्ट्रॉन्स, जिन इलेक्ट्रॉन्स का सम इवन हो, जैसे मान लीजिए आप C2 की बात करो, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, दो कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स यहां पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है कि ये डायमैग्नेटिक है। अगर मान लो मैं CN की बात करूं, इसके पास 6, इसके पास 7, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं पैरामैग्नेटिक बोल दूं? वेरी गुड, MOT से आया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए, सारे पैरामैग्नेटिक कलर्ड होते हैं लेकिन NO क्यों है? NO इज एन एक्सेप्शन विच यू हैव टू कीप इन माइंड। ये भी पैरामैग्नेटिक है बट ये कलरलेस होता है। नाइट्रोजन का +1 और +2 वाला कलरलेस है, सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। यस, SMR स्मार्ट क्लासेस 6 बजे एवरी डे, यू आर वेलकम along विथ योर फ्रेंड्स also. ठीक है, स्मार्ट क्लासेस बिल्कुल सही। सो आप देखिए, अब NO के बाद प्रिपरेशन ऑफ NO देखना, प्रिपरेशन ऑफ NO कितना आसान है। क्या हमने अमोनिया का कंबशन रिएक्शन पढ़ लिए हैं? क्या हम अगर इसी रिएक्शन को हम प्लैटिनम वायर में करते थे तो NO बन रहा था, और इसी NO को एटमोस्फेयर के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने की वजह से क्या ये NO2 बन रहा था? तो क्या ये कलरलेस गैस था? क्या ये ब्राउन गैस हो चुका है? वेरी गुड, वेरी गुड। आइए, कलरलेस गैस हमें बनाना क्या है? NO, वो ऑलरेडी बन चुका है। कब? अमोनिया का कंबशन जब प्लैटिनम वायर से कराओगे तो। वेरी गुड। आइए, अब क्वेश्चन में पूछा गया एक बार, ऑलरेडी AIIMS में भी आ चुका है, IIT एडवांस में भी स्टेटमेंट यूज हो चुका है, अ कलरलेस गैस इज एक्सपोज टू एयर। किसी भी कलरलेस गैस को जब आप एक्सपोज किए एटमोस्फेयर में तो उसका कलर ब्राउन हो गया, तो आप पहचानो, मतलब होता है ना पहली बूझो, तो वैसे ही पहचानो कि कौन सा वो गैस है, कौन सा ऑक्साइड है। कलरलेस ऑक्साइड जो एटमोस्फेयर की प्रेजेंस में ब्राउन हो गया, सिंपल दिख रहा है, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के आने की वजह से ये ब्राउन हो चुका है। वेरी गुड। जीओसी अब स्टार्ट करेंगे, एक बार पी ब्लॉक को खत्म कर लें, फिर जीओसी पे जरूर आ जाएंगे। ठीक है, आइए, एनओ जो है वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। जब भी एफ ई, जो हमारा आयरन है ना, एफ ई प्लस टू, अगर दो दो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बीच में इसको रख दें, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी, तो क्या बना लेता है? दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ बन जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दो दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दो, सिंगल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन योर सिलेबस, एक ऐसा सिंगल रिएक्शन है जिसमें दो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एक साथ यूज होते हैं, यही सिंगल रिएक्शन जिसमें दो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक साथ यूज हो रहे हैं, वो भी आयरन के साथ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स देके जाता है। कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसमें NO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कई बार पूछा जा चुका है। यहां पे आयरन +1 में होता है, NO +1 में हो चुका है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे एक बार जाके प्लीज देख लेना। ठीक है, बोहेमिया, सुचेता, मरियम खान, वेरी गुड। अब NO पढ़ लिया, N2O पढ़ लिया, फिर NO पढ़ लिया, अब N2O3 की बारी है। सो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता पा रहे हो, +3 है, +1 पढ़ लिया, +2 पढ़ लिया। सो ऊपर के दो कलरलेस, नीचे के दो कलरलेस, बीच में ब्लू और ब्राउन, तो क्या ये ब्लू कलर का है? यस, इसके बाद वाला ब्राउन होगा एंड वापस दोनों नीचे वाले कलरलेस हो जाएंगे। ये एसिडिक है कि नहीं? क्योंकि ऊपर के दो न्यूट्रल है, बाकी सारे एसिडिक हैं, तो ये एसिडिक भी हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब ये बना कैसे? बहुत इंटरेस्टिंग, आना एक बार देखो N2O3 का, देखो स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। हम अभी तक क्या पढ़े हैं? क्या हमने NO पढ़ लिया? इसके जस्ट पहले क्या पढ़ा है? NO पढ़ लिया। यस, NO इसमें से निकालोगे तो एक नाइट्रोजन निकाल लो, दूसरा ऑक्सीजन निकाल लो, तो क्या बचेगा? इसमें एक नाइट्रोजन बचा रह गया और दो ऑक्सीजन बचे रह गए, तो क्या NO जो हमने पढ़ा है अगर निकाल लें
और NO2 जोड़ दें तो क्या ये दोनों इसी से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है? वेरी गुड. अब स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखो, NO अभी पढ़े हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड, ये इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है. तो नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन तो इस दोनों बॉन्ड में आ गए, दो इलेक्ट्रॉन इधर पड़े हैं, चार हो गए, पांचवा सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है. जब आप NO2 स्ट्रक्चर इसके बाद पढ़ेंगे तो वहां भी नाइट्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इस दोनों बॉन्ड में आ गए, दो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आ गए, चार, और पांचवा इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा है. अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस दूसरे वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन से मिल जाए तो N2O3 का स्ट्रक्चर बन जाता है. फिर से एक बार और, फिर से, वेरी गुड. फिर से होता क्या है, N2O3 जो अपना कंपाउंड है N2O3, उसमें अब सबसे पहले इसमें से NO निकालो, जो हम अभी इसके जस्ट पहले पढ़े उसको निकाल दो, बनेगा क्या हमारे पास NO2. NO के पास ऑलरेडी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को जोड़ दो, अपना स्ट्रक्चर आ गया. देखो सामने, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो सामने, ये रहा NO सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये रहा NO2 सिंगल इलेक्ट्रॉन, इन दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनाना है, हो गया आंसर. ठीक है, अब ये देखना, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, कैसे, ये डबल बॉन्ड को एक बार नीचे ले जाओ, ये डबल बॉन्ड को एक बार ऊपर ले जाओ, कैसे होगा, कैसे एक्चुअली मैं बताता हूं, रटना नहीं इसको. देखो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक बार इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, क्यों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज कर रहा है. अब जो ये प्लस माइनस चार्ज आया है, ये इस पे यहां पे बॉन्ड देगा, तो नाइट्रोजन के चार बॉन्ड बन गए, वो पॉसिबल नहीं है, सो ये बॉन्ड तोड़ के यहां जाएगा, तो क्या ये चीज वापस बन गई, ये वही चीज तो बनी है, दैट्स इट. ठीक है, वेरी गुड. आपका नाम लेना है, हु इज दिस, आनंद शर्मा, नाम याद है, आप अरविंद शर्मा नाम की आईडी से आए थे, याद है मुझे. क्वेश्चन पता है क्या आया एक बार हमें, कि जो N2O3 का स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा वीटी सर के स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया, अब बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है. N2O3 में दो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड हैं, दो तरह के, इनमें तो रेजोनेंस हो रहा है बार बार, ऊपर नीचे होते जा रहे, यहां एक बॉन्ड लेंथ है, दूसरा NO बॉन्ड ये है, विच NO बॉन्ड हैज मोर बॉन्ड लेंथ, कौन बड़ा है और कौन कमजोर है, कोई गैसेस, कोई गैसेस, वेरी गुड. अब गैसेस नहीं करना है एक्चुअली, ये क्या है, परमानेंट डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, रेजोनेंस में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये क्या होता है, परमानेंट डबल बॉन्ड. डन, दिस सी दिस, सो परमानेंट डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ परमानेंट है तो वो कम है, पार्शियल है, कमजोर डबल बॉन्ड है. ठीक है, तो ये ज्यादा डबल बॉन्ड होगी, दिस इज मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लेस बॉन्ड लेंथ, दिस इज लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मोर बॉन्ड लेंथ. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा छुट्टी, अच्छा टाइम ज्यादा होगी क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने टाइम नहीं देखा. सो नाइट्रोजन का यहां तक रख देते हैं, N2O3 कल स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन से कल स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच नीलेश, आदर्श यार, एक बात आपसे कहना चाहूंगा यार, गाइज शेयर दिस यार विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, थैंक यू सो मच चिराग, थैंक यू सो मच डॉक्टर जी, आप लोगों को पसंद आ रहा है, मैं इससे भी अच्छा अमेजिंग कॉन्टेंट आपको दूंगा, लेकिन शेयर दिस यार. ठीक है, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, थैंक यू सो मच. करण हीरो, थैंक यू सो मच. आदि, देखो मेरा एकमात्र एम है, मैक्सिमम से जितना ज्यादा हो सकता है मैं आपको पढ़ाऊं, जितना ज्यादा मैं इनपुट दे पाऊं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए. ठीक है, नहीं सिलेक्शन हो, सब्जेक्ट का नॉलेज इतना ज्यादा हो जाए कि लाइफ में आगे चल के इतना ज्यादा काम आए, और सिलेक्शन क्यों नहीं होगा ये मुझे समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा. आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन से कोई नहीं रोकने वाला यार, नो वन इज देयर टू स्टॉप यू. ठीक है, चलिए, चिराग, आदर्श, केनटेक, आशुतोष, पुनीत, सुप्रिया, आयुष, एवरीबडी, सो अगर आप देख रहे हैं लेक्चर जरूर अच्छा लगा होगा, लाइक दिस राइट नाउ, लाइक दिस. जो लोग नए हैं सब्सक्राइब दिस, और बेल आइकन जो मत भूल जाना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगी. ठीक है, यस, फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट पी ब्लॉक के बाद स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, सतर्क रहें, सावधान रहें, मिलते जुलते रहें वीटी सर से, वेल बैक सून, थैंक यू सो मच, बाय बाय. कल छुट्टी देखते हैं, बताऊंगा, अनाउंस करूंगा.